तशरीफ पर तशरीफ फरमा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर, आपके हमारे सदर नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुजन वंचित अघाड़ी के सदर जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट आपके हमारे हल्दी अजीज, औरंगाबाद की आन शान आपके लाडले जनाब इम्तियाज जलील साहब, गफ्फार कादरी साहब, जावेद कुरैशी साहब, तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और बहुजन वंचित अघाड़ी के जिम्मेदारान, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। औरंगाबाद में 23 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव मुनक्किद किए गए हैं, जहां से काफी मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दी है। शिवसेना ने दी है, कांग्रेस ने दी है, वहीं पर वंचित बहुजन अघाड़ी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपना कैंडिडेट को उतारा है। पिछले काफी वर्षों से आप हम सब देख रहे हैं हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे संविधान की हर रोज किसी ना किसी तरह से बेअदबी की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही है हमारे संविधान की। हमारा वो संविधान जो हमको आपको विश्व रत्न स्वर्ण रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था, उस संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज ये जो सरोदा समंदर ये जमींदा ग्राउंड में जो जमा हुआ है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि अब हम सब मिलकर हमारे संविधान की रक्षा करेंगे। हम सब मिलकर औरंगाबाद की सरजमीन से अपने हाथ अली रामदार इम्तियाज जलील को पार्लियामेंट में भेजेंगे और हमारे संविधान की रक्षा कराएंगे, हमारी आवाज को बुलंद कराएंगे। हम लड़ेंगे अब इन फिंदा परस्त ताकतों के साथ, क्योंकि क्या हो रहा है देश में आप देखिए। आज एक तरफ भाजपा शिवसेना की सरकार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार, ये दोनों भी मैं कहूंगा एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक जलधारु हिंदू की पॉलिटिक्स करता है, नेशनलिस्ट हिंदू, मगर दोनों ने भी ना कभी संविधान का पालन किया, न कभी विकास की बात की, न डेवलपमेंट की बात की, न रोजगार देने की बात की, बस सिर्फ और सिर्फ ये अपनी राजनीति को रिलीजन बेसिस के ऊपर चलाना चाहते हैं। मगर अब वंचित बहुजन अघाड़ी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक हो गए, अब हम दिखाएंगे इनको किस तरह से विकास होता है। आज आप देखिए यही शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में आप डे सपने देखा, 3 महीने पहले तक कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे आपस में, सांतरों की तरह लड़ाई कर रहे थे आपस में, एक ने कुछ लिख दिया दूसरा उसका जवाब दे रहा है, एक मंदिर बनाने की रेस में गया तो दूसरा टेंट पकड़ के चले गया, आरती करके रिटर्न आ गया, मंदिर को भी नहीं बनाया कुछ, पूरा राज्य ने देखा इनका नौटंकी और नाटक। बाद में क्या हुआ, एक दिन शासन आ गए मातोश्री में, क्या खाना खिलाया ठाकरे, क्या मिठाई खिलाया पता नहीं, दोनों गले मिलके आ गए, बोले हम साथ में चुनाव। अरे इतने परसों से आप लोग यही कर रहे हो, पब्लिक को बेवकूफ समझ लो, लेकिन अब हम समझदार हो गए, अब तुम्हारी चालबाजी में नहीं आने वाले, याद रखना। ये औरंगाबाद की आवाम अब समझदार हो चुकी है, ये महाराष्ट्र की आवाम समझदार हो चुकी है कि आप ये तुम्हारे झांसों में नहीं आने वाले। इतने वर्षों से तुम सत्ता में रहे, इक्तदार में रहे, मगर आज भी क्या पोजीशन है आप देखिए ना, कांग्रेस भी सरकार में रही, शिवसेना भी सरकार में रही, आज भाजपा भी सरकार में है, मगर फिर भी आज हमारे देश में हमारे राज्य में अगर आप देखेंगे तो दलितों और मुसलमानों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। आज भी हम लोग सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और कहीं पॉलिटिकल अथॉरिटी भी नहीं। पूरे महाराष्ट्र की मैं बात बताऊं आपको, 48 सीटों पर कांग्रेस को क्या एक ऐसा मुसलमान नहीं दिखा जो जीत सके लड़ सके चुनाव के अंदर, एक जगह पे खड़ा कर दिया कहीं से लाकर। अरे तो क्या आप हमको लीडरशिप दोगे या नहीं दोगे,
क्या हम ऐसे लोग नहीं जो पार्लियामेंट में जाकर हमारी आवाज को पूर्ण करे और हमारे लोगों की बात रखे, न्याय और इंसाफ की बात करे? क्या हम ऐसा कोई नहीं दिखा कांग्रेस को? मगर नहीं दिया, 48 में से एक जन को दिया। अब हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे किस तरह से हम जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर और हमारी आवाज रखते हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी ने और MIM ने मिलकर आपके अपने यहां से औरंगाबाद से हमारा कैंडिडेट किया इम्तियाज जलील को, जो जब जब असेंबली में गया आपका दर्द लेकर गया, असेंबली में आपकी तरफ से बात रखी, आपकी तरफ से आवाज उठाई, कितने मसले मसाले थे औरंगाबाद के, पूरी तरह के चाहे घाटी अस्पताल का हो या औरंगाबाद के कचरे का मसला हो, सबसे बड़ा जो मसला चल रहा था उसके लिए आवाज उठाई आपके। हमेशा दिल में डरते कि नहीं कुछ करूं मैं अपनी आवाम के लिए, कुछ करूं औरंगाबाद की जनता के लिए, कुछ करूं मैं मराठवाड़ा के लिए, मगर क्या हाथ बंदे हो आप होगा, आप आवाज उठा गई, लेकिन आपका साथ बहुत जरूरी है इसके, क्योंकि आज हम लोगों को अगर हमारा नुमाइंदा भेजना है पार्लियामेंट में, एक होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा से अलग हो जाते हैं आपस के अंदर, हमारी सफर में दरार पड़ जाती है, हम अनेक हो जाते हैं, कोई वो पार्टी में चला जाता है, कोई फला को दे देता है, कोई उसको दे देता है, और फिर बाद में पछताते हैं हम लोग आकर, कह रहे ये क्या कर दिया। ये 5 साल में एक मरतबा मौका आता है, याद रखो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, 5 साल में एक मरतबा ये मौका आता है, और इस वक्त आपको वो मौका मिला है कि पूरी की पूरी दलित समाज, पूरे के पूरा बल्लर समाज, धनगर समाज एक होकर आया है और बदले से कादर मुस्लिमीन के साथ कादर से कादर मिलाकर अपने इंसाफ की, अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ चुका है। अब याद रखो इनका वक्त खत्म हो गया, अभी अपने वक्त, अभी अपने गए, अगर ये टाइम लगा है तो हमको एक होना पड़ेगा, हमको एक साथ होकर आना पड़ेगा, चाहे कितनी भी धूप हो, प्यास लगे, एक दिन अगर बर्दाश्त कर लिया, सबने अपने घरों से आकर अपने वोट का सही इस्तेमाल कर दिया और वोट डाल दिया पटक के निशान के ऊपर जिसका नंबर है 6, तो इंशाअल्लाह हुआ है और उम्मीद है कि आपका अपना हरदिल अजीज इम्तियाज जलील पार्लियामेंट में जाएगा और हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ और डॉक्टर बाला साहब अम्बेडकर के साथ कादर से कादर मिलाकर आपकी आवाज रखेगा, वरना वो दिन दूर नहीं। अगर ये इलेक्शन चला गया तो शायद संविधान का मान्यता भी नहीं होगी और ये लोग कभी चुनाव भी नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि आज आप देखिए एक टाटा की एक्यूज, मानेगा भ्रष्ट की एक्यूज, सातवीं प्रज्ञा जो बेल पर है, मेरिट्स पर नहीं है बेल, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, तबियत खराब होने के ग्राउंड के ऊपर जिसने जमानत ली है, आज ये भाजपा की सरकार उसको टिकट देके चुनाव में खड़ा कर रही है। वो साधवी प्रज्ञा जिसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं, जिसने हमारे एक बहादुर ऑफिसर हेमंत करकरे का इंसल्ट किया है, वो ये साधवी प्रज्ञा को भाजपा टिकट दे रही है। वो हेमंत करकरे जो आतंकवादियों के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हो गया था, याद रखे इस बात को, हम नहीं भूलेंगे हेमंत करकरे की शहादत को, चाहे भाजपा वालों, शिवसेना वालों, तुम भूल जाओ, अगर हम याद रखेंगे और हम तुमको दिखाएंगे शहादत का मतलब क्या है देश के लिए जान दो। क्या यही तुम्हारा नेशनलिज्म है? क्या यही तुम्हारा पेट्रियोटिज्म है? अरे इससे अच्छा तो हम करते हैं ना, जय हिंद बोला तो इनको अच्छा नहीं लगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता इनको अच्छा नहीं लगता, हर आए दिन हमने कुछ बोल दिया पाकिस्तान भेज देंगे। अरे क्यों भेजेंगे भाई, ये मुल्क क्या किसी के बाप की जागीर है क्या? अरे ये मुल्क में जितना नरेंद्र मोदी तुम्हारा अधिकार है ना, उससे 2 गुना ज्यादा अधिकार इस मुल्क में मनीष प्रधान दे रहे हैं। हम हमारे इस मुल्क में बाय बर्थ और बाय चॉइस है, और हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया है, तो आज इस मुल्क पर तुमसे ज्यादा अधिकार हमारा है, याद रखो। तुम हमको भेजेंगे क्या? विकास का काम करना है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अब तक जो विकास नहीं हुआ, आपके पास शिवसेना के खासदार थे ना, क्या कर दिए 20 बरस में,
आजकल तो मैं समझ रहा हूँ कि कोई भाव बन के पूरी की दे रही है, खाओ तबियत ले ले ले। आप अपन उनको पूरी देके भेज देंगे बाहर। आप कचरा साफ, औरंगाबाद का कचरा तो साफ करना ही है, मगर साथ साथ ये जो भाजपा शिवसेना का कचरा इसको भी साफ करके रहेंगे। ऐसा साफ करेंगे, डंपर घुमा घुमाएंगे कि दूर दूर तक मराठवाड़े के आजू बाजू नजर नहीं आना चाहिए, करेंगे ना। और साथ में पंजा है, अरे झांबड़ आंबड़ डामर, क्या तुम घूम रहे हो, क्या आजकल ले लेके घूम रहे, पब्लिक के पास जा रहे, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, काहे को वोट देंगे। 70 वर्ष से वोट तुमने हमारा लिया, इक्तदार की कुर्सी पर तुम बैठे, 90% वोट तुमको हमारा चाहिए, और काम करेंगे जीरो, क्यों तुमको वोट देंगे भाई। अरे ये वो कांग्रेस की सरकार थी, मैं याद दिलाता हूं आपको, 15 वर्ष महाराष्ट्र में राज किया इन्होंने, 3 कमेटी के इनके पास रिपोर्ट आ गए, सच्चा कमेटी का आया, मैं बोलू रिमान कमेटी आया, मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट आया, हर कमेटी ने कहा कि महाराष्ट्र का मुसलमान कास्ट मुसलमान जो है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन देना चाहिए। साल भर तक ये रिपोर्ट पृथ्वीराज चौहान के टेबल पे पड़ा रहा, मगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। 2014 के चुनाव के पहले जब इनको लगा कि अब तो अपनी नैया डूबने वाली है, महाराष्ट्र की जनता लात मारने वाली है, जाते जाते 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दे दिया, 15% रिजर्वेशन जॉब में दे दिया, मगर कोई पक्का कानून नहीं बनाया, कानून नहीं बनाया, रिजर्वेशन चला गया। भाजपा की सरकार को आपको मालूम ही है, सबका साथ सबका विकास, मगर जुमला ही जुमला और कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया इन्होंने। मुंबई के उच्च न्यायालय ने कहा कि आप 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दे सकते हो, मगर देवेंद्र फडणवीस ने वो भी हमको नहीं दिया रिजर्वेशन, मराठाओं को रिजर्वेशन दिया तो मुझे आपत्ति नहीं है, 52% था, 16% और दे दिया, कोई आपत्ति नहीं है। मगर साथ ही साथ जब कमेटी के रिपोर्ट से कि मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो क्यों नहीं दिया तुमने रिजर्वेशन, मेरा सवाल है देवेंद्र फडणवीस, हमारे धनगर समाज के भाइयों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो क्यों रिजर्वेशन नहीं दिया तुमने फडणवीस, ये सवाल है मेरा हमारे धनगर भाइयों का, मगर नहीं देंगे ये रिजर्वेशन, क्योंकि ये सिर्फ जुमला पास सरकार है, इनके पास एक ही जुमला है, सबका साथ सबका विकास, मगर ये सिर्फ की तिजोरी भरने में मानते हैं, और विकास के नाम पे कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए मेरे लिए, याद रखना इस बात को। मगर आज ये मौका आया है, 5 साल में एक मरतबा आपको ये मौका मिला है, हम सब तहीन हो जाए, इतिहास पैदा करे, एक होकर आ जाए सब लोग, अगर 23 तारीख के दिन तो पूरे आसमान में पतंग ही पतंग दिखेगी, हर तरफ पतंग दिखना चाहिए 23 तारीख को, इतनी भारी अक्षर के साथ वोट डालो, याद करे शिवसेना और याद करे कांग्रेस, कि वाकई में जब वंचित बहुजन आघाड़ी और 32 अट्ठावन मुस्लिम लीग हो गए तो हमारे राज्य में स्वयं का सैलाब आ गया, उठा के ले गए पूरे के पूरे, इस तरह से वोट डालेंगे, उठाएंगे ना मेरे भाइयों, 23 तारीख को पतंग के निशान पर वोट लगाएंगे ना, 6 नंबर पतंग कराएंगे ना, बदली सत्यागुल मुस्लिम लीग और बहुजन वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार इंद्रजीत को जिताएंगे ना। देखो आपके हाथ में है, आपके हाथ में, अगर हमने सोच लिया है कि बाला साहेब को हमको भेज रहे हैं हम पार्लियामेंट में, तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और याद रखो ये बड़ा काम नहीं है, बड़ी बात नहीं है, अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है देश का तो क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वंश प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता क्या, वो बनाना है तो ये गूंज दिखाना पड़ेगी 13 अप्रैल को, और उसके बाद 13 मई को इंशाल्लाह औरंगाबाद और महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐसा जल्लोष करेंगे, ऐसा जल्लोष करेंगे कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी हिलेगा, मातोश्री में ठाकरे हिलेगा, वर्षा में फडणवीस हिलेगा, अरे अंग्रेज कांग्रेस तो आ गया पूरी का पूरी, चाल कोई गिनती नहीं है तुम्हारा, मैं ताकत ही नहीं है लड़ने की नरेंद्र मोदी से, ताकत हम में, और लड़के दिखाएंगे और जीत के दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बोलने की हिम्मत दी, अपना भाषण खत्म करता हूँ, जय हिंद जय भीम जय भीम।
बंद लगा लीजिए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।